हेलो फ्रेंड्स, बहुत से यूट्यूबर्स मेरे वीडियोस की कॉपी करके यूट्यूब पर बैग्स के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो मैं उन यूट्यूबर से ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मेरे वीडियोस की कॉपी ना करें, आप अपने बनाए हुए डिज़ाइन ही यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, सावन स्पेशल में आज हम ये डिज़ाइनर हैंडबैग स्टिच करेंगे। ये हैंडबैग फ्रेंड्स हमने ओल्ड साड़ी से रेडी किया है। इसमें देखिए फ्रंट साइड में वन जिपर पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे। अंदर से देखिए काफ़ी बड़ी पॉकेट है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें सेट करते हुए आप रख सकती हैं। जिप से हम इसको लॉक करेंगे, देखिए फ्रंट से ये अंदर से सेट हो जाएगी पॉकेट। और सेंटर वाली पॉकेट को भी हम ओपन कर लेंगे। और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है इस साइड से भी, और वन इनर पॉकेट हमारी इस साइड है। मनी वगैरह कुछ भी आप इस पॉकेट में सेट करते हुए रख सकती हैं अंदर की साइड में। जिप से हम इसको लॉक करेंगे। ये बैग देखिए अंदर से काफ़ी नीटली और काफ़ी खूबसूरत ये बैग स्टिच हुआ है। ये देखिए जिप से हम इसको लॉक करेंगे। ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूज़फुल है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइनर हैंडबैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। सबसे पहले हम 15x17 का ये कुल्टेड पीस लेंगे और 17 इंच की जिप लेंगे। इसमें हमने देखिए मेन फैब्रिक यानी ओल्ड साड़ी को और रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस कुल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। तो इसमें हम 15 की साइड से यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ऐसे हमें सीधे मार्क करना है और मार्क वाली लाइन पर इसे हमें कट करना है। कुल्टेड पीस को हमने देखिए कट कर लिया है और अब ये हम जिप लेंगे। जिप को हम देखिए इसमें अटैच करेंगे, बैक साइड में करते हुए दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस कुल्टेड पीस को हम अटैच करेंगे। ये देखिए जिप को हमने इसमें अटैच कर दिया है। जिप लगाने के बाद कुल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसको हम देखिए 15 इंच पे डाउन करके मार्क करेंगे। इसके बाद स्टिच करके कुल्टेड पीस को हम यानी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने कट कर लिया है और अब हम जिप को ओपन करके इसमें रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब ये हम 3x35 का प्लेन पीस लेंगे। साड़ी का हमने ये पार्ट लिया है और इसको एक साइड से हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए सीधे स्टिच कर लेंगे। एक बार ही हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, देखिए ऐसे हमें स्टिच करना है। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है एक साइड से और अब देखिए हम इस साइड आएंगे और इस साइड हम यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे। ऐसे हमें सीधे मार्क करना है 3 इंच पे। और अब ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हम कुल्टेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड अंदर की साइड में होगा, रॉन्ग साइड अपर की साइड में होगा प्लेन पीस का। और इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए फ्रिल को हम स्टिच करेंगे। इसमें मार्क वाली लाइन पे देखिए प्लेन पीस को रखते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए फ्रिल को हमें स्टिच करना है। प्लेन पीस को फोल्ड करते हुए इस साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है और अब इसको हम फ्रंट साइड में ऐसे टर्न करेंगे और प्रेस करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे हमें दाब सिलाई देते हुए स्टिच करना है। इसमें फ्रिल इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी ऐसे, और इस साइड भी टर्न करते हुए प्लेन पीस को अटैच करना है। दाब सिलाई देते हुए हमने देखिए स्टिच कर लिया इसमें और अब हम यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। 8.5 इंच पे यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे। सेंटर वाले पॉइंट से 3 इंच इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से मार्क करेंगे और ये हम 28 इंच का हैंडल लेंगे। हैंडल को मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे। हैंडल को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है और लेडी ऑफ जनरेशन का लोबो भी इसमें अटैच कर दिया है। और अब ये हम प्लेन पीस लेंगे 15x17 का, 8x14 का प्लेन पीस और 8 इंच की जिप लेंगे। और इस प्लेन पीस को हम 8 की साइड में फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। सेंटर वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम इस साइड 3 इंच इस साइड से और इस साइड से यानी 6 इंच पे मार्क करते हुए ऐसे हम देखिए बॉक्स बना लेंगे।
और अब ये हम प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को देखिए फोल्ड करेंगे, 17 की साइड में हमें फोल्ड करना है। इसमें हमें सेंटर का मार्क करना है और सेंटर वाले पॉइंट से हमें 2.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करना है। और इस प्लेन पीस को हम 2.5 इंच पे डाउन करते हुए और सेंटर वाले मार्क वाले पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और अब हम बॉक्स के चारों साइड से स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच करेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए अटैच कर दिया है और अब हम फोल्ड करके सेंटर वाले मार्क पे यानी 6 इंच वाले मार्क पे ऐसे कट करेंगे और कॉर्नर्स को हम वी शेप में कट कर लेंगे। और प्लेन पीस को हम बैक साइड में सेट कर लेंगे। ऐसे देखिए प्रेस करते हुए प्लेन पीस को सेट करना है और ये जिप लेना है। जिप को ऐसे रखते हुए फ्रंट साइड में ऐसे करेंगे और राउंड में स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। जिप को हमने देखिए अटैच कर दिया है प्लेन पीस में। और अब हम बैक साइड में आएंगे, जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट कर लेंगे। और अब देखिए प्लेन पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे और 3 साइड से स्टिच कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए स्टिच कर लिया है और इस साइड ये हमारी इनर पॉकेट रेडी हो गई है। और अब ये हम क्विल्टेड पीस लेंगे 15x17 का, 28 इंच का हैंडल और 17 इंच की जिप लेंगे। पहले हम हैंडल को इसमें अटैच करेंगे। तो पहले हम सेंटर का मार्क करेंगे 8.5 इंच पे और सेंटर वाले पॉइंट से 3 इंच इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से मार्क करते हुए हैंडल को हम मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में रखते हुए अटैच कर देंगे। हैंडल को हमने देखिए इसमें अटैच कर दिया है। और अब ये हम जिप लेंगे। जिप को देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड अंदर की साइड में होगा और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे। प्लेन पीस और जिप को देखिए अटैच कर दिया है इसमें। और अब हम प्लेन पीस को बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई देंगे और राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच करेंगे। हैंडल को देखिए अपर की साइड में करते हुए हमें दाब सिलाई देनी है। ये देखिए प्लेन पीस बैक साइड में सेट हो गया है। देखिए अपर के साइड में करते हुए हमें दाब सिलाई देनी है। और अब ये हम दूसरा क्विल्टेड पीस लेंगे और ये हम दूसरा प्लेन पीस लेंगे। तो प्लेन पीस को देखिए पहले क्विल्टेड पीस को ऐसे रखेंगे, दोनों हैंडल वाला साइड एक साइड में होगा और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर रखते हुए सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे। इस साइड भी हमने देखिए स्टिच कर लिया है और इसको भी हम देखिए बैक साइड में करेंगे। और इस साइड प्लेन पीस को देखिए ऐसे सेट करते हुए हैंडल को अपर के साइड में करते हुए इसमें भी हम दाब सिलाई देंगे और राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को इसमें अटैच कर देंगे। इसमें भी हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए प्लेन पीस को अटैच कर दिया है। ये देखिए प्लेन पीस इसमें भी सेट हो गया है और ये जो पॉकेट है ये हमारी इस साइड यहाँ पर रेडी हो गई है, फ्रंट साइड वाली। और अब देखिए हम जिप को ओपन करके इसमें रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने रनर डाल लिया है। क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लाइन को बराबर में देखिए ऐसे सेट करते हुए दोनों साइडों से पिनअप कर लेंगे। देखिए ऐसे सेट करते हुए पिनअप करना है। और ये हम 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए जिप वाली साइड से हम देखिए ऐसे थोड़ा सा टर्न करते हुए ऐसे हम 3 साइड से स्टिच करेंगे और इसमें हम अटैच करेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए इसमें अटैच कर दिया है। और अब ये कॉर्नर्स जो हैं इसको हम हल्का सा ऐसे कट लगा लेंगे और पाइपिंग को ओपन करेंगे और पाइपिंग को देखिए डबल फोल्ड करते हुए ऐसे रखते हुए स्टिच करके इसमें हम अटैच कर देंगे। ये देखिए डबल फोल्ड करना है और स्टिच करके हमें अटैच करना है पाइपिंग को। पाइपिंग को फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए निकली, ये पूरा अंदर से रेडी हो गया है। और अब इन दोनों कॉर्नर्स पे हम 2 इंच पे देखिए साइड से मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 2 इंच पे मार्क करते हुए बॉक्स बना लेंगे। और ऐसे इस कॉर्नर पे भी हम मार्क कर लेंगे। इस साइड पे हमने मार्क कर लिया है और जिप को हम ओपन करेंगे और क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे कॉर्नर को ओपन करते हुए ये जो स्टिच लाइन है इसको हमें सेंटर में रखना है और ऐसे सेट करते हुए मार्क वाली लाइन पे हमें यहाँ से स्टिच करना है और ऐसे इस कॉर्नर पे भी स्टिच करना है।
मार्क वाली लाइन पे हमने दोनों साइडों से देखिए स्टिच कर लिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है और अब ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए ऐसे रखते हुए इस साइड भी स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए पाइपिंग के साथ में स्टिच कर लिया है। ये देखिए नीटली इस साइड भी रेडी हो गया है और अब इसको हम पलट कर राइट साइड कर लेंगे। क्वल्टेड पीस को हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हमारा ये डिज़ाइनर हैंडबैग बन के रेडी हो गया है। देखिए अंदर से काफ़ी नीटली और काफ़ी खूबसूरत ये बैग स्टिच हुआ है। वन इनर पॉकेट भी है अंदर की साइड में, जिप से इसको लॉक करेंगे और फ्रंट साइड में ये हमारी वन बड़ी पॉकेट है। ये देखिए काफ़ी बड़ी पॉकेट है फ्रेंड्स, आप चाहें तो बैक साइड में भी पॉकेट को स्टिच कर सकते हैं। इसको हम जिप से लॉक करेंगे। फ्रिल के साथ ये बैग काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में और ये जो बैग है ये हमने ओल्ड साड़ी से रेडी किया है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये डिज़ाइनर हैंडबैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।